हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक और नए वीडियो के साथ। आज हम आपको मारवाड़ी स्टाइल में मटन कौरमा बना के दिखाएंगे तथा हम उसमें क्या क्या मसाले यूज करेंगे वो आपको पूरा शेयर करेंगे। तो चलो हम किचन में चलते हैं और आपको पूरी मेकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं मारवाड़ी स्टाइल में मटन कौरमा। उसके लिए हमने लिए है आधा किलो चौप प्याज, काली मिर्च पाउडर, 30 पत्ता, इसे जिंजर गार्लिक पेस्ट और मटन कौरमा मसाला। हम 2 किलो मटन के अंदर आधा किलो सरसों का तेल डाल रहे हैं। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। 30 पत्ता गैस पे बनता नहीं यार, इसलिए बस चीज बना रहा हूँ। टाइम लगता है मटन में, फिर सीटी लगानी पड़ती है। अब डाल, ये देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं। डाल अब हम मसाले को अच्छे ढंग से पकाएंगे ताकि उसमें कच्चापन ना रहे। हमारा फ्रेश मटन आ चुका है। ये हमने लिया है 9 से 10 किलो के बकरे का मटन जो कि एकदम फ्रेश है और एकदम नीट एंड क्लीन है। तो हम इसको अब मसाले के अंदर अच्छे ढंग से भूनेंगे, फिर आपको आगे की प्रोसेसिंग दिखाते हैं। अब हम मटन के लिए मसाला तैयार करते हैं। नमक लेते हैं 2 चम्मच, अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ये आ गया अपना हरा धनिया। और ये आ गई हमारी पीसी हुई लाल मिर्च जो कि आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग यूज में ले सकते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे कौरमा मसाला। अब हम इसके अंदर पानी डाल के मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसालों में पानी ढंग से घुल जाए। अब हम इसके अंदर मसालों को डालेंगे तथा उसे अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि मसाला अच्छे से मटन में मिल जाए और चिपके ना। अब हम इसमें पिसा हुआ काली मिर्च पाउडर डालेंगे और इसे ढंग से मिलाएंगे। मसाले को अब हम इसमें आधा जग पानी डाल के उसे आधे घंटे के लिए पकने के लिए रख देंगे, फिर आपको आगे की प्रोसेस दिखाएंगे। एक पीस ऊपर उठा के दिखा, कोई बड़ा सारा नहीं। नीला इसको आप देख सकते हो, हमारा मारवाड़ी स्टाइल में मटन कौरमा बनके रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और उसे ढक के रख देंगे।